डॉक्टर दर्शनपाल जी स्टेट प्रेसिडेंट क्रांतिकारी किसान यूनियन। वख-वख जथेबंदियां ने किसान आगू साहिबान अते पंडाल विच बैठे बजुर्गो बच्चे मताओ भैनों ते नौजवान वीरो, बहुत सारे साडे आगूआं ने कल दियां जो घटनावां वापरियां ने उहदे बारे अपनी व्याख्या सहित तुहाडे नाल गल कीती है। मैं सिर्फ एक गल दे उत्ते अपना जोर देना चाहुंदा हां, बाकी गल्लां आ गईआं कि असीं पंजाब दे विच वी ते दिल्ली दे विच वी जदों आए हां साडे सामने मुख तौर ते चार चीज़ां सी। पहली गल तीन काले कानून रद्द कराने, दूसरी गल सारिया जिनसा दे भा घट्टो घट समर्थन मुल मुताबक लेने, जिहड़ा एक फार्मूला है स्वामीनाथन दा उहदे मुताबक बिजली बिल 220 रद्द कराउणा अते नाल ही जिहड़ा पराली वाला मसला है हल कराउणा। तुसीं मैनूं एक गल दा जवाब दिओ कि कल साडे विच्चों जिहड़ियां ताकतां ने उहदे भावें दीप सिद्धू है या होर किसान जथेबंदी है, कि उन्होंने ये चार कानूनों की कोई परवाह की है चार मंगा नहीं, कि उन्होंने ये चारे मुद्दे जिहड़े साडे किसानां दी इन्ने महीनों की लड़ाई नाल जुड़े हुए सी कि उहदी कोई परवाह की है उन्होंने? जे नहीं की तो साडा फर्ज बनता कि जिहड़े बजुर्ग माता ते मतावां साडियां भैणां साडियां जिहड़े पिछले असीं 6-7 महीनों तो पंजाब च लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर पूरे देश च लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर उन्हां दा साडे नाल रिश्ता की है? उन्हां दा रिश्ता की है साडे मुद्दियां नाल? उन्हां दा रिश्ता की है साडी लड़ाई दे नाल? उन्हां दा रिश्ता की है जिन्हां नाल साडी लड़ाई है उन्हां दे नाल? क्योंकि मैदान दे विच चीज़ां स्पष्ट हुंदियां ने, इह उदों पता लगता है जदों तुसीं किसी दे मुद्दियां दे बारे की स्टैंड लैंदे हो। यानी कल जो होया उहदे विच इहनां ताकतां ने साडे संघर्ष दे विच साडी एकता दे विच छुरा खोबण दी कोशिश कीती है। सो भरावो, मैं सारे साथियों ने बोलता, मैं इन्नी गल कहना चाहुंदा कि इह लड़ाई जिथे कुछ दिनों च निबड़न वाली सी उन्होंने इस लड़ाई नूं होर लंबा करता। ये सरकार ने नहीं किया, सरकार दे नाल मिल के इन्हां ताकतां ने किया। उन्होंने जिवें पहला बुलारा कह के गया कि किवें ऐलान हो के इन्ने डालर 2,50,000 डालर दिते जाणगे, ते किवें ये जिहड़ियां साजिशां ने साडे समझाउण दे बावजूद भी रचियां गईयां। सो मैं अपनी जथेबंदी वल्लों नहीं, संयुक्त किसान मोर्चे दीआं समुच्चियां जथेबंदियां वल्लों, पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां दे मोर्चे वल्लों तुहानूं अपील करदा भरावो कि आओ इन्हां ताकतां दा विरोध करिए। वह चाहे दीप सिद्धू है, चाहे कोई किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है। असीं हुण मीटिंगां करांगे, अज उहदे विच हिसाब किताब करांगे किहड़े व्यक्ति ने किहड़ी जथेबंदी ने की रोल निभाया कल साडे संघर्ष दे विच एक तरह का रोड़ा बनता, उहदे दा हिसाब किताब करके उन्हां नूं ओनी असीं सज़ा जरूर देवांगे जिन्नी उन्हां दा हक बनता। की तुसीं सहमत हो के सज़ा दित्ती जावे? सो असीं हुणे मीटिंगां करन लई जा रहे हां। इन्हां मीटिंगां दे विच असीं आउण वाले दिनां दे विच प्रैस च स्पष्ट कर देंगे अज ही कि किहदा किन्ना कसूर है, क्योंकि तुसीं भरावो जिस खून पसीने की कमाई दे नाल अपना तुसीं गुजारा करदे हो उहनूं असीं चंगा बनाउण वास्ते जथेबंदियां लड़ रहे सी कि साडियां जिनसां ना लुट्टियां जाण, साडियां फसलां दा ठीक भाव मिल जाए, साडी कर्जे की पंड हौली हो जाए, साडे काले कानूनां दा असर होर सानूं तंग करूगा उहनां नूं वापस करा दिए। सो उस लड़ाई दे विच इन्हां व्यक्तियां ते जथेबंदियां ने साडे पिट्ठ च छुरा नहीं मारिया, साडे नाल धोखा कीता, गदारी कीती है, बेईमानी कीती है। साडे किसान जिहड़े लगातार ठंड दे विच
मीह पेंदे दे विच चक्करां दे विच इत्थे रह रहे सी उन्हां सारिआं दे नाल साडे नाल नहीं जथेबंदियां नाल तुहाडे सारिआं दे नाल अपने सारिआं दे नाल इन्हां ने धोखा कीता ते गदारी कीती है। आओ इहो जिहा ताकत तो सचेत रहीए। मेरे पहले बुलावे राज्यवाल साहब ने बहुत स्पष्ट चीजा कीतियां ने, असी खा खप लिया जिंदगी हंडा ली अपनी, सानू कोई परवाह नहीं मौत दी, हुण मौत कल नू आउणी है, अज आवे, असी मौत तो नहीं डरदे। सो सौ खा के चले सी कि इस लड़ाई नू जितांगे जितांगे जितांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।